हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। नाउ ऑनवर्ड्स फोर क्वेश्चंस आर वर्ड प्रॉब्लम्स, सो लेट वी रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड रुपीज 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। क्या लिखा है, एट्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, टोटल 2401 रुपीज जो है वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा पहली लाइन से पता चला। आगे क्या है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इन दैट क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। वंस अगेन आई एम रीडिंग, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कि हर एक स्टूडेंट जो है वो कितने रुपीज डोनेट कर रहा है, जितने स्टूडेंट्स उस क्लास में हो। मतलब कि अगर एट्थ स्टैंडर्ड के क्लास में 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्लास की स्ट्रेंथ अगर 50 है तो हर एक बच्चा 50 रुपीज डोनेट करेगा इस तरह से। अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स है तो हर एक स्टूडेंट जो है वो 60 रुपीज डोनेट करेगा। तो जितने स्टूडेंट उतने रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर एक बच्चा 50 रुपीज डोनेट करे, और ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास में 50, तो टोटल कैसे मिलेगा हमें, एक स्टूडेंट ने दिए हुए रुपीज इसको टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल मनी मिलेगा। ये सिंपल लॉजिक है। अगर 60 स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ रुपीज डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। तो इन शॉर्ट यहाँ पर सेम ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि हमें सिर्फ उस नंबर का स्क्वायर निकालना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये लॉजिक समझना था। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रुपीज डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इक्वल है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मुझे नहीं पता है कितने स्टूडेंट है, सो लेट मी अज्यूम लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इक्वल्स टू एक्स, एंड दैट्स व्हाई डोनेटेड मनी बाय ईच स्टूडेंट विल आल्सो बी एक्स। वो लिखा नहीं मैंने यहाँ पर। ठीक है, हमें नहीं पता है इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज उन क्लास के अंदर टोटल एक्स स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट उतने ही रुपीज होंगे एक स्टूडेंट को डोनेट किया हुआ। ठीक है, तो टोटल डोनेटेड मनी कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये दूसरा वाला जो एक्स है ये क्या है, नंबर ऑफ मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट्स इंटू रुपीज डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेंगे टोटल रुपीज जो ऑलरेडी दिए हुए हैं, कितने हैं 2401। तो इसका मतलब x इंटू एक्स दैट विल बी एक्स स्क्वायर, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो 2401 का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, ग्रुप बनाओ दो दो के, पेयर्स निकालो, और यहां से हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट। इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट हमें मिल रहा है 49। तो ये हो गई x की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, x की। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आंसर, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है 49, और हर एक स्टूडेंट कितने रुपीज डोनेट करेगा 49। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। व्हाट इज रिटन, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। ओके, क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज, दोनों ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट मी अंडरस्टैंड बाय द फिगर। सोचो कि ये
गार्डन है, यहां पर हमें ट्री प्लांटेशन करना है, प्लांट्स है, ट्रीज नहीं है, छोटे छोटे प्लांट्स है। तो अगर मैं यहां पर एक दो तीन चार पांच छह इस तरह से छह प्लांट्स मैं यहां पर लगा रही हूं, ये मेरी पहली रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे रो। तो एक रो के अंदर कितने प्लांट्स लगाए मैंने, छह। ठीक है, अब बुक में ऐसा लिखा है कि जितनी रो है उतने प्लांट्स, इसका मतलब मेरे पास टोटल छह रो होनी चाहिए, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, सभी रो के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स है जो कि सिक्स है, गॉट इट। इस तरह से ये सारे के सारे प्लांट्स है। देखो क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर मेरे पास छह रो है तो हर एक रो के अंदर छह प्लांट होने चाहिए। अगर मेरे पास पांच ही रो है, मतलब अगर मैं एक रो निकाल दू तो एक रो के अंदर मैं कितने प्लांट्स लगा सकती हूँ, पांच ही, जितनी रो उतने प्लांट्स। ठीक है, अगर फाइव रोज है तो मैं फाइव ही लगवाऊंगी प्लांट, सिक्स नहीं लगा सकती। तो इन शॉर्ट ये हो क्या रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी लेंथ भी फाइव है और ब्रेथ भी फाइव है। आप ऐसा भी सोचो, अगर मैं छह लगा रही हूं तो मेरे पास छह रो होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मुझे कैसे मिलेंगे, मैं काउंट करूंगी, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह के कितने हैं और सिक्स। तो अगर मैं सिक्स को सिक्स के मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा थर्टी सिक्स। काउंट करके देख लो, टोटल थर्टी सिक्स प्लांट्स ही होंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कितने प्लांट्स हो गए, थर्टी सिक्स। अगर फाइव ही रो है तो टोटल ट्वेंटी फाइव प्लांट्स ही होंगे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी दी गई है। तो हमें सबसे पहले तो पता नहीं है कि कितनी रो है और कितने प्लांट, तो हम अज्यूम करेंगे कि देखो अगर मेरे पास एक्स नंबर ऑफ रोज है, कितनी है पता नहीं है, अज्यूम करो चलो एक्स रो है, तो इसका मतलब हर एक रो के अंदर एक्स प्लांट होंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमने किया, नंबर ऑफ प्लांट्स टोटल दिए है 2025, टोटल कितने प्लांट है 225, हर एक रो के अंदर कितने प्लांट होने चाहिए x, और ऐसी रोज कितनी होनी चाहिए x। तो मैंने वो अज्यूम करके रखा है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू x। तो यहां से फॉर्मूला बन गया x इंटू एक्स इक्वल टू 2025। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो x का स्क्वायर। ठीक है, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब मुझे 225 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया है, फिर पेयर्स निकाली तो 5, 3 एंड 3 इस तरह की पेयर मिली, 5, 3 एंड 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 45 मिल रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 45 का स्क्वायर है। मतलब कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकालू तो आंसर आएगा 45। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 45। ओके, तो यही हमारा आंसर है। हम क्या फाइंड कर रहे थे, हमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी चाहिए और नंबर ऑफ रोज भी चाहिए, दोनों ही इक्वल है। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू 45 एंड नंबर ऑफ रो इज ऑल्सो इक्वल टू 45। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9।